बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने किसानों के मामले पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, हम किसानों की भावना का सम्मान करते हैं, किसानों से वार्ता हो रही है, उनके हर दुख और सुख में बीजेपी साथ है, साथ थी और साथ ही रहेगी। कांग्रेस दूसरे मामले में नहीं बोलेंगे। और इसी को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा से खास बातचीत की संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने। विधायक रामेश्वर शर्मा हमारे साथ में, उनसे बात करें। सर, आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई, श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन किसानों को लेकर, किसानों को श्रद्धांजलि नहीं देने को लेकर भी? अरे, किसानों के साथ पूरा देश है, हम किसान हैं, किसानों की भावना का सम्मान करते हैं, नरेंद्र मोदी जी सम्मान करते हैं, सौ सौ बार किसानों से वार्तालाप हो रही है, किसानों के हर दुख सुख में भारतीय जनता पार्टी साथ थी, साथ है, साथ रहेगी। ये ड्रामा करने की क्या बात, इसमें ड्रामा करने की क्या बात है? और दूसरे दूसरे मामले में नहीं बोलेंगे वो? महंगाई का अभी विरोध है, तमाम सारे सड़कों पर उतर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। साइकिल तो चली नहीं, रास्ते में छोड़ छोड़ कर भग गए, तो पहले साइकिल चलाने का प्रैक्टिस तो करें। वो ये कह रहे हैं कि सीएम भी चलाए साइकिल और मंत्री। हमने जब साइकिल चलाई थी तो जहां से चालू की थी, जहां चले जाना था वहां तक गए, उनमें तो दमी नहीं है, वो घाटी तो चढ़ नहीं पाए, साइकिल चला नहीं पाए। कांग्रेस विधायक के घर पे जब छापा पड़ा है तो वो एक अलग प्रकरण है, उसके बारे में कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट की जरूरत नहीं। तो साफ तौर पर देख सकते हैं आपके पॉलिटिकल स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, और साफ तौर पर जो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ जिस तरीके से जो विरोध का तरीका सिर्फ अख्तियार करती है, लेकिन विरोध कर नहीं पाती। कैमरा पर्सन विपिन के साथ दुष्यंत पारासर, ID24 भोपाल।